आप इसका आवाज सुन पा रहे होंगे कि कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मिनी समोसे की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। इसे हम मैदे से नहीं बल्कि गेहूं के आटे से बना करके तैयार करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कम समय में ज्यादा समोसे बना करके तैयार कर पाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू तो करते इस हैं। रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे हम एक बाउल और इसमें डालेंगे हम 1.5 कप गेहूं का आटा, आधी कप ले लेंगे हम सूजी, ये बारीक वाला सूजी है। अगर आपके पास मोटा वाला सूजी हो तो उसे ग्राइंडर जार में डालकर एक बार पीस लें। हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, आधी चम्मच से कम हम ले लेंगे अजवाइन, इसे हम हथेली पे रगड़ के डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चम्मच हम ले लेंगे सफेद तिल, आधी चम्मच ले लेंगे हम चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। 2 से 3 चम्मच इसमें डाल देंगे हम तेल, तेल की जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं। सबको हम मिक्स करेंगे। तो मैंने सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और एक बार हम ऐसे करके देख लेंगे। तो ये देखिए, ये मुट्ठी में बंध जा रहा है, मतलब हमारा जो मिश्रण है सही है। अगर मुट्ठी बांधने में जैसे ये ठीक से बंध ना पाए तो आप थोड़ा सा तेल और ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हम डो तैयार करेंगे। एक बार में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा। इसको हम गूथ लेंगे, जैसे हम आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको हमें लगाना है। और डो को हमें ज़्यादा गीला या ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है। तो मैंने आटा लगा लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा मुलायम ही रखा है। अब इसको हम ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसमें हमने जो सूजी डाला है वो अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक चलिए हम इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। अब हम एक थाली ले लेंगे और आलुओं को मैश करना है। तो इसको हम पहले हाथों की मदद से फोड़ लेंगे। तो मैंने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से फोड़ लिया है। अब एक मैसर की मदद से इसको हम मैश करेंगे। अगर आपके पास मैसर ना हो तो आप कटोरे के जो पिंदा होता है उससे आप मैश कर सकते हैं या फिर चम्मच से भी मैश कर सकते हैं। तो मैंने आलू को मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज को मैंने बारीक काट लिया है और थोड़ा सा मैंने हरे धनिया को भी बारीक काट लिया है और 1 इंच के लगभग अदरक के टुकड़े को भी मैंने बारीक काट लिया है। इन सबको हम डाल देंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप घटा बढ़ा भी सकते हैं या फिर आप इसको स्किप करके इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच डाल देंगे हम गोल मिर्च पाउडर, आप इसकी जगह पे कुटी हुई गोल मिर्च भी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच डाल देंगे हम गरम मसाला। इसमें हम डाल देंगे नमक, नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, स्वाद से हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने जो डो तैयार किया है उसमें भी नमक डाला है। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चलिए इसका हम बैटर तैयार करते हैं। अब इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले एक हम बाउल ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप गेहूं का आटा। बिल्कुल हम हेल्दी बना रहे हैं, इसमें हम मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर आटा। अगर चम्मच से नापें तो 4 चम्मच के लगभग आटा है ये। तो मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। इससे क्या होगा कि जो हम मिनी समोसा जो बना करके तैयार करेंगे वो काफ़ी क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। इसमें भी हम नमक डालेंगे, तो नमक हम बहुत थोड़ा डालेंगे, आधी छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ क्योंकि नमक हमने डो में भी डाला है और जो इसका मिश्रण तैयार किए हैं उसमें भी डाले हैं और जो बैटर है इसमें भी डाल रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ा ही डाल देंगे थोड़ा सा धनिया बारीक कटी हुई। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं,
आधी चम्मच डाल देंगे हम सफ़ेद तिल। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हम घोल तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने आटे को घोल लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि इसकी थिकनेस जो है हम इतनी ही रखनी है, ज़्यादा गाढ़ा या फिर ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो डो को रखते हुए 10 से 15 मिनट हो गया है, इसको हम मसल लेंगे। अगर हमें लगा कि डो हमारा टाइट है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के हम गूंथ लेंगे, लेकिन जो मैंने डो तैयार किया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा मसल लेंगे इस तरीके से। तो मैंने इसको मसल लिया है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक रोटी बनाने वाला जो बेलन और चौकी होता है वो हम ले लेंगे और थोड़ा सा इस पे लगा देंगे हम तेल और इसको हम फैला लेंगे। और जो हमने डो तैयार किया है इसमें से हम थोड़ा सा ले लेंगे, इसमें से थोड़ा सा लेकर के इसका लोई बना लिया है, अब इसको हम बेलेंगे। तो ये देखिए मैंने रोटी बना करके तैयार कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि इसको बिल्कुल पतला रखना है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको कितना पतला बनाया है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें रखना है। और इसके बाद हम एक ग्लास कटोरा कोई भी चीज़ ले लेंगे और इससे हम काटेंगे। साइज आप अपने पसंद का रख सकते हैं, इससे बड़ा या फिर इससे छोटा भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको काट लिया है और जो एक्स्ट्रा निकला है उसको हम अलग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू का मिश्रण बना करके तैयार किया है उसमें से हम थोड़ा सा ले लेंगे और जो हमने छोटी सी पूरी बनाई है उस पर हम इसको फैला लेंगे। मैंने आलू को चारों तरफ से फैला लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पूड़ी को इस तरीके से उठाएंगे और इसको इस तरीके से हमें मोड़ना है, ठीक। और उसके बाद बीच से इसको हम फिर से इस तरीके से मोड़ देंगे और इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे। इसी तरीके से हम सबको बना करके तैयार करेंगे। जब हम मिश्रण लगाएंगे तो थोड़ा सा हम किनारे से अलग ही रखेंगे, पूरा हमें किनारे तक नहीं लगाना है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हम इधर वाला हिस्सा जो है इसको हम नहीं दबाएंगे, बिल्कुल इसे हमें पैक नहीं करना है, इधर से ये इस तरीके से रहेगा। ये साइड वाला हम दबा देंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए। तो ये देखिए मैंने सारे मिनी समोसे जो है बना करके तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसको हम फ्राई करते हैं। अभी तक तेल गर्म हो चुका है, तेल गर्म होने के बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे और जो हमने ये मिनी समोसा जो बना करके तैयार किया है और जो हमने घोल बना करके तैयार किया है इसमें हम इसको डिप करेंगे और इसको हम तेल में डालते जाएंगे। जितना कढ़ाई में आ सकेगा उतना हम डाल देंगे और थोड़ी देर इसको हम पकने देंगे और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। थोड़ी देर हो गए हैं, अब इसको हम पलट लेंगे। और दूसरी तरफ से भी इसको पकने देंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको उलटते पलटते इसको फ्राई कर लिया है और इसका कलर चेंज हो गया है, ये गोल्डन कलर का हो गया है और साथ ही साथ ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे।
इसी तरीके से हमने जितना समोसा बना करके तैयार किया है सबको हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सारे समोसों को फ्राई कर लिया है, इसको भी हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो मिनी समोसा है देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, और फ्रेंड्स ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इस होली में इसको एक बार आप जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। साथ ही साथ ये काफ़ी हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसे मैदे से नहीं बल्कि गेहूं के आटे से बना करके तैयार किया है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये काफ़ी क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। सो फ्रेंड्स आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें, ये देखिए, आप इसका आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, ये देखिए। ये देखिए। सो फ्रेंड्स हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।